मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉर्नर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी इस टाइम मैं बालकनी में खड़ी हूँ क्योंकि मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। तो रोज़ रोज़ आप लोगों को घर के काम क्या दिखाऊँ, वही झाड़ू पोछा। तो बस मैंने सोचा ऐसी थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉर्निंग से तो धूप थी, बट अभी सडनली मौसम ख़राब हो गया है, तो शायद थोड़ी देर में बारिश हो जाए, मे बी, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। कल थोड़ी देर के लिए हुई थी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत तेज़ हुई थी, बट उसके बाद एकदम से रुक गई थी। तो आज भी मौसम बन रहा है, तो शायद हो जाए। तो ये देखिए बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। अपनी बालकनी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई थी और प्लांटर्स भी, क्योंकि मैं जब घर गई थी तो मेरे सारे प्लांट्स सूख चुके थे। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ अरेका पाम, जो कि आप अक्सर मेरे ड्राइंग रूम में देखते हैं, बट अभी मैंने कुछ दिनों के लिए इसे बाहर रखा हुआ है। और ये है कड़ी पत्ता। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वॉशिंग मशीन। तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसे इस साइड शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नल नहीं था, तो हमने यहाँ पर नल का कनेक्शन दे दिया है और हमने इसे इस तरफ सेपरेटली शिफ्ट कर दिया है। देखिए, पहले इस तरफ वॉशिंग मशीन हुआ करती थी और वो काफ़ी स्पेस ले लेती थी, बट अभी इधर मैंने सारे प्लांट्स शिफ्ट कर दिए हैं और इधर बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब तो अभी कुछ टाइम बाद मैं बालकनी का मेक ओवर करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये छोटे छोटे प्लांट्स आप देख सकते हैं, इसमें कितने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं, ये है मिर्ची के सीड्स जो कि मैंने पॉट में डाले थे और अब इसमें से छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी स्पेस हो गया है बैठने के लिए और अब किचन से देखने में भी अच्छा लगता है। बाहर ग्रीनरी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो बस इसीलिए मैंने इधर से मशीन हटा दी है। मौसम कितना ज़्यादा काला हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए, तो फ्रेंड आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इधर मैं भी टी इंजॉय कर रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, ऐसा मौसम होता है तो चाय और पकौड़ी तो बनती है, बट अभी तो लंच का टाइम है तो पकौड़ी तो नहीं खाई जा सकती है, तो इसीलिए बस मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने चाय बना ली। तो थोड़ी देर बाद मैं लंच करूँगी। वानिया को मैंने लंच दे दिया है करने के लिए। और आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मौसम है बाहर, क्योंकि सब जगह बारिश हो रही थी पर दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, और हमारे आसपास के एरिए में भी बारिश हो रही थी, बट जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर बारिश नहीं हो रही थी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो थोड़ा सा जब बारिश होगी तभी गर्मी थोड़ा कम होगी, और वैसे भी अब पहले की तरह तो बारिश होती नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्कूल और कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो जो बारिश का टाइम होता है, मतलब कंटिन्यू बारिश रहती थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बट अब उतनी बारिश देखने को नहीं मिलती है। और दिल्ली में तो वैसे भी बहुत कम बारिश होती है, हमारे होम टाउन में तो बारिश हो रही है, कई जगह तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है बारिश से, मतलब पहाड़ों में काफ़ी जगह पे। बट देखो, अगर आज यहाँ पर बारिश हो जाए तो, कल बस थोड़ी ही देर के लिए यहाँ पर बारिश हुई थी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत तेज़ हुई थी, और फिर बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब देखा तो पूरी जो ज़मीन थी वो सूख चुकी थी, लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। तो अभी जब बारिश होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी।
देखिए बारिश होने लगी है और बहुत तेज बारिश हो रही है। बट हमारी हथेली बारिश तक नहीं पहुंच पा रही है, ये देखिए। हाय, आज जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मौसम हुआ है। और थोड़ा ज़्यादा ठंडा ठंडा सा भी हो गया है, क्योंकि तो ज़्यादा गर्मी थी, तो दो चार दिन मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। तो फ्रेंड आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ, और जो साइड में बेल का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ फ्रेंड लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी देखती हूँ आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।